टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल और मेजरमेंट हमें मिली हुई है एक साइड की, मेजरमेंट गिवन, मेजरमेंट गिवन, मेजर मेजर्स ऑफ वन साइड एंड हाइपोटेन्यूज, वन साइड और हाइपोटेन्यूज की मिली हुई है। हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए, एंगल सी जो कि 90 डिग्री है और एंगल बी, ये भी फाइंड नहीं है, ये भी पता नहीं है। ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी। अब हमें सी का वैल्यू गिवन है, अगर लेट करते हैं सी का वैल्यू है 4 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर और बी का वैल्यू है हाइपोटेन्यूज जो कि सी है, वो वैल्यू मिला गिवन है हमें सेंटीमीटर, और दूसरा वन साइड कोई भी साइड हो वो बी मिली हुई है 4 अंडर रूट 3। ये हो गई 4, ये हो गया 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड तो हमें एंगल एंगल ए भी करनी है, एंगल बी भी करनी है और साइड ए भी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल ए सपोज़ करें हम एंगल ए फाइंड करते हैं। एंगल ए फाइंड करने के लिए हमें एंगल ए से यहाँ से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेंगे कि ये दोनों का, इन दोनों का, तो कास लेंगे, कास लेते हैं। अगर कास एंगल ए लेंगे, कास एंगल ए लेंगे तो इन दोनों का रिलेशन होगा, क्योंकि कास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बी ओवर सी। तो ये हो गया 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ये हो गया 4 अंडर रूट 6। अच्छा तो ये दोनों कट गए, ये 4 4 में कैंसिल हो जाएगा। अब हमने ये 4 4 में कैंसिल कर दिया, ये हो गया 4 कैंसिल, ये हो गया 4 कैंसिल, तो कास एंगल ए ये हो गई अंडर रूट 3 और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 एंड 3, ये हो गया 6। सेम थिंग है, कोई मसला नहीं है इसमें, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और इसको हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। अंडर रूट 3 में कैंसिल हो जाएगा, तो कास एंगल ए हो गया 1 बाई अंडर रूट 2। ये तो सिंपल है, कास 1 बाई अंडर रूट 2, तो एंगल ए कास इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 2। हमें पता है कास 45 डिग्री होती है 1 बाई अंडर रूट 2, कास 45 होता है 1 बाई अंडर रूट 2, तो कास इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 2 होगा 45 डिग्री। तो एंगल ए हो गई 45 डिग्री, एंगल ए फाइंड हो गई। तो अब एंगल बी फाइंड करना कोई मसला नहीं है, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए 45 प्लस एंगल बी पता नहीं प्लस एंगल सी जो है 90 180 डिग्री, तो ये एंगल बी हो गई 180 माइनस 5 13, तो एंगल बी हो गई 45 डिग्री। अब एंगल ए भी फाइंड हो गई, ये रही एंगल बी भी फाइंड हो गई, एंगल ए भी फाइंड हो गई, एंगल बी भी फाइंड हो गई। अब फाइंड करेंगे साइड ए, अगर हम एंगल ए से लेते हैं साइन लेते हैं अगर एंगल ए से, तो क्या होगा, साइन होगा परपेंडिकुलर ए ओवर हाइपोटेन्यूज 4 अंडर रूट 6, ए ओवर सी 4 अंडर रूट 6 हो गया। तो साइन एंगल ए 45 डिग्री, ये हो गई ए 4 अंडर रूट 6। हमें पता है साइन 45 डिग्री जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1 ओवर अंडर रूट 2 के, तो ये होगी 1 ओवर अंडर रूट 2 ए 4 अंडर रूट 6। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए सॉरी अंडर रूट 2 ए
ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इज इक्वल 4 अंडर रूट 6। तो ए हो गई 4 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 6 को डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 2 में कैंसिल, ए इज इक्वल 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर।